अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से जो हकीकत है तमाम के तमाम आपके सामने मैं रखूंगा कि शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को तलाक दिया है या नहीं दिया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मैंने यही कहा था कि सानिया मिर्ज़ा को तलाक नहीं दिया, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह है वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। तो डेर बन वो जो असली वजह है वो सामने आ गई है, शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को तलाक नहीं दिया। इन्होंने जो है ना ये ड्रामा क्यों किया, ये मजाक क्यों किया अवाम के साथ, ये डेर बन इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है क्योंकि ये एक यानी कि शो करने जा रहे हैं। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि शोएब मलिक ने ये इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के हवाले से तस्वीर अपलोड की थी, सानिया मिर्ज़ा ने डेयर फ्रेंड जो है ना तस्वीर नहीं अपलोड की और सानिया मिर्ज़ा ने कुछ जो है ना मैसेजेस पैगाम छोड़े हैं इंस्टाग्राम पर। उसने ये कहा है कि बेवफाई ये वो, यानी कि शोएब मलिक को मेंशन नहीं किया लेकिन उसने सिर्फ यही खबर पिलाई है कि जो है ना शोएब मलिक ने मेरे साथ बेवफाई की है। तो डेयर फ्रेंड इनकी इसके पीछे जो इनका मकसद है वो क्या है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सच है कि शोएब मलिक ने जो है ना सानिया मिर्ज़ा को छोड़ा नहीं है, छोड़ा है वो किसी वजह से छोड़ा है। तो असल में ये एक शो करने जा रहे हैं, ये एक पावर शो करने जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये ड्रामा मचाया कि लोग जो है ना हमें डेयर फ्रेंड हमारे ऊपर ध्यान करें, हमारे ऊपर ध्यान रखें कि इन दोनों के बीच में जो है ना दूरियां आ गई हैं। सानिया मिर्ज़ा ने भी यही कहा, शोएब मलिक ने भी यही कहा, इन दोनों में डेयर फ्रेंड अगर ऐसी कोई बात होती है तो सानिया मिर्ज़ा भी कह देती है और शोएब मलिक भी कह देता, इस तरह की अगर कोई बात होती है तो लाजमी सी बात है कि सोशल मीडिया पर वो जो है ना अपना पैगाम जारी कर देते हैं। ना शोएब मलिक ने जारी किया, ना सानिया मिर्ज़ा ने जाने क्या, लोगों की जो है ना अफवाहें जो है ना फैल रही थी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, बड़े बड़े जो चैनल हैं न्यूज चैनल, उन्होंने भी ये कहा कि ये दोनों चुप हैं। और चुप क्या है, तो जो चुप है डेयर फ्रेंड वो इसलिए चुप थे क्योंकि एक पावर शो करने जा रहे हैं। पावर शो में डेयर फ्रेंड इनका एक अपना टारगेट होता है कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाए कि इन दोनों के बीच में तब्दीली आ गई है, यानी कि दूरी आ गई है। और ये जो है ना डेयर फ्रेंड जब एक ही साथ एक शो में आएंगे तो आप देखेंगे कि इतने इनके कितने जो है ना व्यूअर आएंगे, इनकी रेटिंग जो है ना कितनी बड़ी की। इस वजह से इन्होंने जो है ना ये आपस में जो है ना दूरियों का एक मजाक बनाया कि लोगों का हमारी तरफ ध्यान हो, जब हम पावर शो में एक शो में एंट्री करें तो लोगों का जो है ना ध्यान हमारी तरफ ज्यादा हो। और लोगों की फैन फॉलोइंग तो वैसे भी हैं लोगों की इनकी तरफ, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो ड्रामा हुआ है इसके बाद इनके जो है ना व्यूअर रेटिंग वगैरह इससे और भी बढ़ जाएंगी। तो डेविड शोएब मलिक जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेटर है और सानिया मिर्ज़ा जो है ना वो टेनिस स्टार है। आप खुद ही सोचे कि पूरी दुनिया में इनकी फैन फॉलोइंग जो है ना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो है ना शोएब मलिक की पहचान इंडिया में और भी ज्यादा होगी सानिया मिर्ज़ा के की वजह से। उसके अलावा सानिया मिर्ज़ा की अपनी भी फैन फॉलोइंग इंडिया में है, लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद उसकी भी फैन फॉलोइंग और ज्यादा होगी है। तो जब ये दोनों आपस में एक पावर शो करेंगे, एक शो करेंगे, उसके बाद आप डेयर फ्रेंड यकीन नहीं कर पाएंगे कि इनके जो है ना व्यूवर कितने आ रहे हैं, इनकी रेटिंग कितनी बढ़ रही है। इस वजह डेयर फ्रेंड ये पावर शो कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने जो है ना ये ड्रामा भी किया, इनके आगे भी फैन फॉलोइंग जो है ना बहुत ज्यादा है। लेकिन इस ड्रामे के बाद डेयर फ्रेंड आप खुद ही सोचे कि इनकी जो व्यूवर रेटिंग होगी वो कितने बढ़ेंगे। तो डेयर फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू वीडियो में शेयर करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड इस वीडियो के साथ मैं ज्यादा चाहूंगा, नेक्स्ट दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।